वेलकम टू माई इंग्लिश क्लास वी आर लर्निंग टेंसिस एंड दिस इज वीडियो नंबर टेन फॉर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस सो लेट एस स्टार्ट सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रहे होंगे रही होगी आदि आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में आएंगे और इसमें कार्यों के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है तो स्टूडेंट्स कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे पंखा चल रहा होगा जोर की वर्षा हो रही होगी लड़कियां बातें नहीं कर रही होंगी क्या वह एक किताब लिख रहा होगा तो इन सेंटेंसेस में वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी आ रहा है तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में आएगा तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिनको आप सीखेंगे और वीडियो के अंत में ये जो सेंटेंसेस है ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी तो आइए देखते हैं कुछ एक रूल्स तो स्टूडेंट्स ये है रूल्स जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो तो सबसे पहले बात करते हैं अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आप विल या शैल का यूज़ करेंगे जैसे आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली आई और वी यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम शेल का यूज़ करेंगे और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके बाद वी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है अब इसको अप्लाई करते हैं सेंटेंस के ऊपर जैसे लड़कियाँ नाच रही होंगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट है लड़कियाँ जिसके लिए आएगा गर्ल्स और गर्ल्स के साथ आप लगाएंगे विल क्योंकि आई और वी के अलावा सभी के साथ विल लगेगा तो गर्ल्स विल वि डांसिंग उसके बाद बी और वर्व की फर्स्ट फॉर्म है डांस तो उसके साथ लगेगा आई एन जी सो द गर्ल्स विल बी डांसिंग इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पक्षी चहचह रहे होंगे तो यहाँ पर वर्ड्स सब्जेक्ट है और इसके साथ लगेगा विल सो द ट्रांसलेशन विल बी द वर्ड्स विल बी चर्पिंग इसी तरह बुल को पार कर रहा होगा यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही के साथ लगेगा विल सो ही विल बी क्रॉसिंग द ब्रिज तो बहुत आसान है ये अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसिस के लिए तो जिन सेंटेंसिस में नाट का यूज होगा उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगाइए सबसे पहले उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल इनमें से एक उसके बाद नॉट आप लगाएंगे और बाद में वी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है अब इसको अप्लाई करते हैं मैं नया पेन नहीं खरीद रहा हूँगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और इसके साथ लगेगा शेल तो आई शेल उसके बाद नॉट बी तो खरीदने के लिए वर्ब है बाय तो इसके साथ आई एन जी लगेगा तो बन जाएगा वाइंग तो ट्रांसलेशन होगी आई शेल नॉट बी वाइंग न्यू पेन इसी तरह अगला सेंटेंस हम ताश नहीं खेल रहे होंगे इसकी ट्रांसलेशन होगी वी शेल नॉट बी प्लेइंग कार्ड्स इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस बे पार्टी में नाच नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बे मीन्स दे तो दे के साथ लगेगा विल दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप प्रश्न पूछते हैं और वाक्य के अंत में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है बिल या शैल पहले आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जैसे ये वाला सेंटेंस है क्या हम सर्कस देख रहे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी तो वी के साथ लगेगा शेल तो शेल आएगा अब सब्जेक्ट से पहले तो इस ट्रांसलेशन होगी शेल वी वी वॉचिंग circus, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी इसी तरह अगला सेंटेंस क्या बे हमारे साथ रहे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बे जिसके लिए आएगा वर्ड दे तो ट्रांसलेशन होगी विल दे बी स्टेइंग विद अस तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंगली विल जो है वो पहले आएगा और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे के साथ आई इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा तो यहाँ पर विल आएगा पहले और उसके बाद सब्जेक्ट है प्योन सो विल द प्योन वी रिंगिंग द वेल तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी So, this is the end of part 10. I hope you liked it. Thank you.